हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट चोकोलावा केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो काफ़ी टेस्टी होता है। और देखिए, इसे मैं कट करके दिखाई हूँ, काफ़ी टेस्टी बना है, आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। और यह तो बच्चों का फेवरेट होता है और यह बिल्कुल ईजी और सिंपल तरीके से हम बनाएंगे सिर्फ 3 चीज़ों से, और वह इडली स्टैंड में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 पैकेट ओरियो क्रीम बिस्किट लिया है, और हम क्या करेंगे, सारे बिस्किट को ट्रे में निकाल लेंगे और इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर इसे हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। फाइन पेस्ट तैयार करना है और हमें ना रुक रुक कर पीसना है, एक बार में पेस्ट तैयार नहीं करना है। तो देखिए, हमारा पेस्ट तैयार है, इसे हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इधर हमने देखिए चॉकलेट बार लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। और गैस पे हमने पतीले में पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, इसके ऊपर हम रखेंगे प्लेट और उसके ऊपर हम चॉकलेट डालकर मेल्ट होने देंगे। और इधर देखिए, हम केक का बैटर तैयार कर लेंगे। तो एक कटोरी हमने दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें बैटर तैयार करना है, जितना दूध का ज़रूरत होगा उतना ही हम डालेंगे। तो अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और बढ़िया से हमें फेंट लेना है, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हमें इसका बैटर को अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारा केक का बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है और हमारा चॉकलेट भी देखिए अच्छे से अब मेल्ट हो चुका है, इसे हम बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इधर देखिए, हमने इडली स्टैंड लिया है, तो हल्का सा तेल डालकर ना चारों तरफ से हम ग्रीस कर लेंगे तेल से। और हमने जो केक का बैटर तैयार करके रखा है, एक एक चम्मच करके सभी में ऐड कर देंगे। काफ़ी इजी और सिंपल रेसिपी है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करो, और ये झटपट बन जाने वाली है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो देखिए, इस तरह से एक चम्मच करके सारे बैटर को हम डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने सारे बैटर को ऐड कर दिया है केक के। अब इसके ऊपर हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखा था ना, चॉकलेट को डालेंगे। तो आधा चम्मच के करीब देखिए हमने डाला है मेल्ट किया हुआ चॉकलेट, इस तरह से हम सभी में डाल देंगे इसके ऊपर। और देखिए, हमने सारे चॉकलेट को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस चॉकलेट के ऊपर फिर हम एक चम्मच केक का बैटर को डालेंगे। इसी तरह से सभी में हमें डाल देना है इसी तरह से। और देखिए, हमने सभी में डाल दिया है केक के बैटर को। और इधर इडली स्टैंड में हमने पानी गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो चुका है, तो हम इडली स्टैंड को इस तरह रख देंगे और ढक्कन से कवर करके इसे 15 से 20 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। और देखिए, 15 मिनट में हमारी चोकोलावा केक बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा कर इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और देखिए काफ़ी टेस्टी बना है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और बहुत ही इजी तरीके से घर पर झटपट बन जाने वाली है सिर्फ 3 चीज़ों से। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करो, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।